अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहां पे हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये इस वैल्यू पर कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के चेक करने की डेफिनेशन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे एक जगह पर हमारा 3 हो जाएगा। अब एक चीज हम याद रखेंगे कि पॉलिनोमियल हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं ना, ये हमेशा इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और ये कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो यहां पे जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, और अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मॉड एक्स इसकी 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर देखेंगे कि वो इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर वो इक्वल नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो कम से कम 2 फंक्शन के लिए हम हमेशा याद रखेंगे, एक तो पॉलिनोमियल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन ऐसे हैं जिनकी जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं और जिनकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। बस ट्रिग्नोमेट्रिक में ये होता है कि जैसे टेंजेंट वगैरह जब आता है ना, टेन वाला, उसमें थोड़ा सा डोमेन का फर्क रहता है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, तो यहां पे इसकी लिमिट देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है 2x² - 1, और अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3² - 1। 2 × 3 = 9 - 1, 9 × 2 = 18, 18 में से 1 गया 17, ये हमारा आंसर आया। अब अगर हम निकालें f ऑफ 3 तो ये क्या आएगा, 2 × 3² - 1, 2 × 3 = 9 - 1, 9 × 2 = 18, 18 में से 1 गया 17, ये आ गया। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ये प्रूफ करना था।